गर्भनिरोधक दवाइयाँ और सेक्स की इच्छा, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त महाराष्ट्र में अकोला में पिछले 38 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। गर्भनिरोधक दवाइयाँ मतलब गोलियों के रूप में या फिर लोकल, ये बहुत सारी महिलाएं करती है ताकि गर्भ नहीं रहे, गर्भधारणा नहीं होना चाहिए। ऐसा रिसर्च में मालूम हुआ है कि 40% महिलाएं गर्भनिरोधक गोलियां खाती है और अपना गर्भधारणा होने से बचाव करती है। तभी इसमें फिर इसका परिणाम सेक्स ड्राइव के ऊपर क्या होता है वो देखना जरूरी है। क्या है कि गर्भनिरोधक गोलियां जब खाती है तो कुछ स्टडीज में ऐसा बताया गया है कि उससे जो हार्मोनल लेवल्स बॉडी की है जो सेक्स ड्राइव कॉज करती है, तो वो लेवल्स उनकी लेवल कम ज़्यादा हो जाती है, बैलेंस नहीं रहता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी कम हो सकती है, इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है वो इम्बैलेंस होती है और उससे सेक्स ड्राइव कम हो सकता है, सेक्स की इच्छा कम हो सकती है। गर्भनिरोधक गोलियां लेने वाली 8422 महिलाओं की एक स्टडी है, उसमें यह पाया गया कि 15% महिलाएं मतलब 1238 महिलाओं की सेक्स की इच्छा कम होगी क्योंकि वो गर्भनिरोधक गोलियां खा रही थी। 21% महिलाएं जो थी मतलब 1826 महिलाएं, तो उनको सेक्सुअल ड्राइव इंक्रीज हो गई गोलियां खाने से। और मेजॉरिटी जो थी महिलाएं, उनमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा गोलियां खा के या नहीं खा के सेक्स ड्राइव में। मगर यदि समझो अभी आपकी सेक्स ड्राइव कम हो जाती है तो डेफिनेटली फिर आपको जो ट्रीटमेंट चालू है या जो भी आप गर्भनिरोधक की ट्रीटमेंट अपना रही है वो बदलनी पड़ेगी। जैसा कि लोकल डिवाइसेस डालो, इम्प्लांट डालो, लोकल इंटरनल कंडोम्स डालो या फिर कॉपर डालो, जिससे कि सेक्स ड्राइव में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 2016 में 103 स्टडीज की गई और उसमें यह पाया गया है कि हार्मोनल इंट्रायूटराइन डिवाइस जो है, मतलब योनि में हार्मोनल इंट्रायूटराइन डिवाइस जो रखते हैं, योनि में रखते हैं, तो वो रखने से काफ़ी लेडीज़ की सेक्स ड्राइव बढ़ गई, उनकी इच्छा बढ़ गई, उनकी कामुकता बढ़ गई हार्मोनल इंट्रायूटराइन डिवाइस। फिर कुछ लोगों का नॉन हार्मोनल इंट्रायूटराइन डिवाइस, उनकी भी स्टडी की गई कि भाई उनको कैसा लगता है। नॉन हार्मोनल इंट्रायूटराइन डिवाइस मतलब जिसमें हार्मोन नहीं है मगर योनि में वो डिवाइस रख रहे। नॉन हार्मोनल इंट्रायूटराइन डिवाइस मतलब जिसमें हार्मोन नहीं है मगर वो योनि में रख रहे डिवाइस। तो उनमें ऐसा पाया गया है कि उनमें अराउजल मतलब कामुकता बढ़ गई, समाधान बढ़ गया, सेक्स करने की ज़्यादा इच्छा हो गई और ज़्यादा बार सेक्स की डिमांड उन्होंने किया नॉन हार्मोनल इंट्रायूटराइन डिवाइस में। तीसरा जो था वजाइनल रिंग, कुछ लोगों ने वजाइनल रिंग का वापर किया जिससे गर्भनिरोधक गर्भधारणा नहीं होती है। तो वजाइनल रिंग से फ़ायदा ये हुआ लोगों को कि हार्मोनल उसमें हार्मोन्स नहीं थे मगर वजाइनल रिंग है, उसमें से फ़ायदा ये हो गया कि उसमें लुब्रिकेशन होता है और फिर सेक्स करने में कम दर्द हुआ और लुब्रिकेशन अच्छा होने से बहुत अच्छा मज़ा आ गया। चौथा जो था लोगों ने, कुछ महिलाओं ने इम्प्लांट्स रखे जिससे भी ऑर्गेजम में मतलब जो अति उच्च अवस्था रहती है कामुकता की उसमें बहुत उनको मज़ा आ गया। अति उच्च ऑर्गेजम जो अति उच्च अवस्था जो है एन्जॉयमेंट की, उसमें बहुत उनको ज़्यादा मज़ा आ गया। और जिन्होंने इंटरनल कंडोम्स रखे थे उनको लुब्रिकेशन में फ़ायदा हो गया, इंटरनल कंडोम से लुब्रिकेशन में फ़ायदा हो गया। इंटरनल कंडोम क्या होता है कि कुछ समय पहले रख सकते हैं सेक्स करने कुछ समय पहले, और लुब्रिकेशन ज़्यादा होने से दर्द वगैरह नहीं होता है और सेक्स करने में उनको बहुत मज़ा आता है। इन शॉर्ट गर्भधारणा नहीं होने के लिए जो भी महिलाएँ इंट्रायूटराइन डिवाइस का वापर करती है, गोलियाँ खाती है, यदि उनको सेक्स ड्राइव कम होता है, कामुकता इच्छा कम होती है, तो उन्हें बदलना चाहिए और कुछ अपनाना चाहिए। यह पहला उसका निष्कर्ष निकला है। और दूसरा यह है कि क्या होता है कि उनको मालूम है कि अभी गर्भधारणा गर्भनिरोधक डिवाइस हम वापर रहे हैं तो फिर वो टेंशन रहता नहीं है दिमाग के ऊपर दोनों के भी कि गर्भ रहेगा नहीं होगा, गर्भधारणा होंगे नहीं होंगी, तो उससे क्या होता है उसके वजह से सेक्स में बहुत मज़ा आता है, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन अच्छा रहता है, अराउजल अच्छा रहता है और उसमें सेक्स में बहुत मज़ा आता है। तो गर्भधारणा नहीं होने के लिए जो भी डिवाइस आप वापरते बिल्कुल वापरना चाहिए मगर उससे यदि सेक्स ड्राइव कम होती है, इच्छा कम होती है, तो बदलना चाहिए।
बाकी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के ऊपर, जो महिलाओं में भी टेस्टोस्टेरोन लेवल रहती है मगर बहुत कम रहती है, उसके ऊपर असर होता है और उनकी इच्छा कम हो सकती है, ऐसा कुछ स्टडीज में पाया गया है। तो फिर वो बदलना चाहिए यदि कम होती है तो। तो अभी तक इतना ही, यदि आपको कुछ सवाल होंगे इसके बारे में तो डेफिनेटली नीचे नंबर दिए उसके ऊपर कॉल करना है, और हमने नीचे लिंक दी हुई उसके ऊपर आप नामों मात्र 150 रुपये शुल्क पे कर सकते हैं और हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर से कॉल करके आपका जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, वो हमारे से बात करके फिर आपको यहाँ से हम दवाई रवाना कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे दिए नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।